इधर दिल्ली एनसीआर में भी ठंड ने लोगों का बुरा हाल किया है। ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों को भारी ठंड के बीच सफर करने में परेशानी हो रही है। जो डेली सफर करने वाले यात्री हैं उनको ट्रेन देरी से मिल रही है, जिससे दिक्कत बढ़ रही है। समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने अपने गंतव्य तक। वहीं ट्रेन से दूर सफर करने वालों को भी ट्रेन कैंसिल होने और देरी से चलने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस से भी सफर करना मुश्किल हुआ है इस ठंड में। खड़े हुए हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर कुछ हमारे साथ यात्री हैं। कड़कड़ाती सर्दी भी पड़ रही है और ट्रेन लेट भी हो जाती है, तो उस सर्दी में जब ट्रेन लेट हो जाती है तो यात्रियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनसे पूछेंगे। वो घर के लिए आप लोग ये बताइए, किस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मतलब ट्रेन का वेट कर रहे हैं जब वो लेट हो जाती है। तो अभी आपकी ट्रेन लेट हो गई है? हाँ जी मैम, मैक्सिमम 30 मिनट के लिए लेट है अभी गाड़ी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम होती है ड्यूटी जाते हैं ना तो हाफ डे लगता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर उसके बाद टाइमिंग, जो लॉग आउट टाइमिंग रहती है हमारी 6 बजे की है, तो उसके बाद 7 बजे लॉग आउट करना पड़ता है फिर सिस्टम। उससे आप ये है कि आप मतलब जब आप टाइम से नहीं पहुंच पाते तो आपको 1 घंटे फिर शाम को भी लेट निकलना पड़ता है ऑफिस की तरफ से। तो नो डाउट ऑफिस में जाने वालों के लिए दिक्कत है ही, जो आने जाने वाले डेली के सफर है। आप डेली सफर करते हैं या डेली? नहीं, मेरा जाना मैं अभी, ये ट्रेन ये थी स्पेशल ट्रेन थी, इन्होंने कैंसिल करी बिना कोई नोटिफिकेशन के। अभी इसका टाइम 10 बजे आने का, कोई टाइम ही नहीं है, ट्रेन कैंसिल हो गई। अभी अभी तक कारण का पता नहीं चला, इसमें लिखा ही नहीं कुछ इसमें है ना। वहाँ पूछो, वहाँ कोई बता नहीं रहा, यहाँ कोई बता नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। इनका भी टिकट है, इनको पता नहीं चला ट्रेन कब आएगी नहीं आएगी, क्या हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे साथ अभी कुछ और भी यात्री हैं जो बात करेंगे। हेलो, तो अभी आपने इन यात्रियों से बात करी, जो किसी की ट्रेन लेट हो गई, कोई ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तो सर्दी में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को तो करना ही पड़ता है। साथ में रेलवे स्टेशन की तरफ से भी ये आया है कि ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है बिना पूछे गछे। कैमरामैन केसर के साथ में अपना दीक्षित आ रहा है।